नमस्कार दोस्तों, नैन्सी बुटीक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो, जिसमें जैसे कि मैंने पहले प्रॉमिस किया था आपसे कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे होते ही मैं बेसिक कोर्स स्टार्ट करूँगी, तो उसी की मैं आज पहली वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज की हमारी वीडियो है तुरपाई और कच्चे से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि हमें तुरपाई मेन चीज़ है, आनी चाहिए, तो इसलिए मैं तुरपाई से ही स्टार्ट करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि तुरपाई हम लोग सूट पे, ब्लाउज पे, फाइनल सूट कंप्लीट होने के बाद करते हैं। तुरपाई का अपना बहुत ही अहमियत होता है और वो तुरपाई बहुत ही फिनिशिंग से होनी चाहिए, तो इसलिए हमें तुरपाई सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं तुरपाई के लिए क्या क्या सामान हमें चाहिए होता है। तो ये देखिए, मैंने एक बॉक्स बना के रखा हुआ है ताकि इसमें मुझे ईज़िली सामान मिल जाए। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, कपड़ा है, ये स्क्वायर पीस मैंने ले लिया है हिसाब से, तो आपको सिखाने के लिए इसमें जैसे मैंने ये मशीन से कच्चा किया है, तो ये भी मैं बताऊंगी आपको कि मशीन से हम कैसे कच्चा कर लेते हैं, और मैं आपको हाथ से कच्चा करना बताऊंगी किस तरह से, ठीक है। और ये देखिए धागे हैं, धागों की रीले हैं, और ये है सुई, ठीक है, ये सुई, हर तरह का धागा मैंने कलरफुल रखा हुआ है। और मैंने सेम कलर से हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सेम से करेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए मैं डिफरेंट कलर से ये तुरपाई करने वाली हूँ और कच्चा करने वाली हूँ। और ये है हमारे पास चौक, इसे मिल्टन चौक, टेलरिंग चौक भी कहते हैं, मिल्टन चौक भी कहते हैं, जो कि हमारे सिलाई का मेन हिस्सा है। इससे हमें मार्क वगैरह करना होता है, इस तरह से चौक वगैरह से निशान लगाने के लिए हमें चाहिए होता है। देखिए सुई है, सुई में मैंने धागा डाल ली है, आप चाहे तो डबल धागा डाल सकते हैं और चाहे तो सिंगल को डाल के आप डबल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर नॉट लगा ली है और सुई में धागा डाल के, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसको सिंगल फोल्ड किया पहले, फिर इस तरह से ये डबल फोल्ड कर लिया हमने इस तरह से, और यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे इस तरह से। इस तरह से आप प्रेस करते हुए, इन दो उंगलियों के बीच में दबाते हुए इस तरह से आप सिलाई करते जाएंगे। कच्चा आना भी हमें बहुत ज़रूरी है, कच्चे की हमारी सिलाई में बहुत अहमियत होती है। कभी कई बार ऐसा होता है सूट में कढ़ाई होती है बहुत ज़्यादा, तो उस पर मशीन नहीं चल पाती, तो वहाँ पे हम इस कच्चे का उपयोग करते हैं ताकि जो है मशीन की सुई ना टूटे। तो इस तरह से हम छोटे बड़े टाँके ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाद में तो हमें इसे उधेड़ ही देना है ना। तो इस तरह से आप इस तरह से कच्चा करते जाएंगे। ये देखिए, कच्चे का इस्तेमाल कई जगह होता है, जैसे कई छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए हम लोग बिछानी बनाते हैं, है ना, पंजाबी में गुदड़ी भी बोलते हैं, वैसे बिछानी बोलते हैं, तो वो भी हम बनाते हैं, तो उसमें ये कच्चे का ही उपयोग होता है, बड़ी बड़ी सिलाइयाँ चलती हैं उसमें, तो इस तरह से कच्चे का इस्तेमाल वहाँ होता है। और जैसे आप गद्दा बनाते हैं, रुई का गद्दा बनाते हैं, तो उसमें भी टाँके इसी तरह से भरे जाते हैं। तो इस तरह से देखिए आप कच्चा कर लेंगे। देखिए बिल्कुल सीधा सीधा कच्चा करते जाना है, जो भी बिगनर्स हैं तो उनको ये चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है। कई लोग होते हैं सोचते हैं कि जल्दी से हम सिलाई सीख ले, लेकिन आपको छोटी सी छोटी चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना है। इस तरह से आप कच्चा करते चले जाएंगे। ये देखिए मेरा धागा बीच बीच में थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, बीच में अड़ रहा है, आप कभी भी ये गलती मत कीजिएगा, मैंने ध्यान नहीं किया इस वजह से ऐसा हो गया। हमेशा डबल धागा ले के ना, फिर उसके बाद उसे सुई में पिरोएंगे आप। देखिए यहाँ पे हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, इसे पक्का नहीं करेंगे, क्योंकि इसे हमें खोलना है बाद में। तो इसका इस्तेमाल हमने जैसे बताया है कि गुदड़ी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बिछौनी बच्चे के लिए बनाती है, और गद्दे जो होते हैं बेड पे बिछाने वाले गद्दे जो होते हैं, वहाँ पे भी हम लोग इसी से जो इस कच्चे से ही जो है उसको सिलते हैं, उसे कहते हैं। और जैसे बताया था सुई, उसमें सूट में भी ये काम आता है, ब्लाउज सूट उसमें जब भी हम करते हैं तो इस तरह से ये कच्चा कर लेते हैं।
तो ये देखिए कच्चा हो गया। अब इसको हम यहीं पर तोड़ देते हैं। तो ये देखिए इसको हम यहाँ पे कैंची से कट कर देंगे। आपको ये कच्चा करना सिखाया। इसको हम लोग जब फॉल लगाते हैं ना, फॉल में भी हम कच्चे से ही फॉल लगाते हैं, तो इस तरह से हम नीचे की तरफ कच्चा कर लेते हैं फिर हम फॉल लगाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ तुरपाई हम किस तरह से करेंगे। तो ये देखिए मैंने मशीन से कच्चा करके लेकर आई थी, ये देखिए इसको भी उसी तरह से मैंने फोल्ड कर ली है। तो अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ तुरपाई कैसे करेंगे। तो तुरपाई के लिए देखिए सबसे पहले मैंने सुई में धागा डाल लिया है और सिंगल धागा डाला है, और एक तरफ मैंने यहाँ पर ये जो इस तरफ से हम गांठ लगा लेंगे, ये देखिए मज़बूत सी गांठ लगा लीजिए ताकि खुले ना। ये देखिए गांठ लगा ली, एक तरफ मैंने गांठ लगा ली है ये देखिए, और दूसरी तरफ ये देखिए छोटा धागा छोड़ा है हमने, एक धागा बड़ा है और एक धागा छोटा है। इस तरह से आपने रखना है सिंगल। पहले वाली गलती कभी मत कीजिएगा, डबल धागा डाल के कभी भी मत सुई पिरोइएगा, उसको इस तरह से सिंगल धागा पिरोइए। तो ये देखिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। यहाँ पे कॉर्नर पे आप जब भी तुरपाई करेंगे, कहीं से भी आप टाका स्टार्ट करते हो ना तुरपाई का, तो ये देखिए गांठ को इस तरह से अंदर कर दीजिए इसके, ताकि दिखाई ना दे। और यहाँ पे हम एक दो बार धागे लेके ना इसको पक्का कर देंगे, ये देखिए इस तरह से इसको पक्का कर दिए। इससे क्या होगा, ये टूटेगा नहीं। जैसे कभी ये देखिए जिस तरह से गांठ दिखाई दे रही है, हम क्या करते हैं कई बार बैठे बैठे हमारे हाथ में गांठ आ जाती है, हम उसे खींच देते हैं तो वो टूट जाती है, तुरपाई वहीं से खुलनी शुरू हो जाती है। तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से आप सुई से जो है इसे गांठ को अंदर कर दीजिए और यहीं पर इसे पक्का कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से इसे अंदर करती है, दिखाई भी नहीं देगी, और इस तरह से आप तुरपाई करना शुरू कर दीजिए। ये देखिए नीचे से बस दो सूत आने चाहिए, तुरपाई का मतलब ही मेन यही होता है। नीचे धागा हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देना चाहिए, डिफरेंट धागा मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे तुरपाई के टाके, नहीं तो आपको सेम धागा ही लेना है। ये देखिए यहाँ से हमने ले लिए दो धागे और यहाँ ऊपर ले आए इस तरह से, छोटे छोटे टाके लेने हैं, बहुत बड़े आपको टाके नहीं लेने हैं। देखने में सुंदर तुरपाई लगनी चाहिए, क्योंकि तो तुरपाई से ही फिनिशिंग आती है सूट में। ये देखिए इस तरह से आप उंगली के नीचे दबा के कपड़े को इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से। इसको ज़्यादा खींचना नहीं है, जैसे इस तरह से ज़्यादा खींच देते हैं ना तो ये चुन्नट सी दिखाई देने लगती है। तो बंद करने से पहले इसको पहले इस तरह नाखून से कर लेंगे तो देखिए बिल्कुल साफ बैठ जाएगा। कभी भी ज़्यादा तुरपाई को खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्का रखना चाहिए ताकि फिनिशिंग दिखाई दे। और ये एक बार में इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी, अगर आप कई बार में प्रैक्टिस करेंगे ना बहुत अच्छा से आएगा और बहुत फिनिशिंग आएगी। किसी भी काम को कीजिए तो आप थोड़ा उसको टाइम दीजिए, जल्दबाजी कभी मत कीजिए। तो इस तरह से देखिए देखने में भी टाके कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरह से तुरपाई आप करेंगे बिल्कुल फिनिशिंग से, ठीक है। तो इसको अब जब ख़त्म करने से पहले हम क्या करेंगे, जैसे स्टार्टिंग की थी ना वहाँ पक्का किया था, तो पक्का करके ही आप इसे कट करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। देखिए एक बार और ये दो बार इस तरह से, ये देखिए मैंने पक्का कर दिया, ये देखिए। अब इसको आप कट करिए, कहीं से भी ये तुरपाई जाने वाली नहीं है, सूट आपका फट जाएगा, तुरपाई बिल्कुल नहीं जाएगी। ये देखिए, और ये देखिए पीछे दिखाती हूँ मैं, यहाँ जैसे डिफरेंट कलर है तो धागे बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, अगर आप सेम कलर यूज़ करोगे तो ये धागे बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। ये देखिए इस तरह से भी आप करेंगे, आपको जाली बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। अगर बड़े बड़े टाके आप लेते हो ना तो उसमें जाली दिखाई देती है, तो इसमें बिल्कुल जाली दिखाई नहीं देगी। तुरपाई हमेशा इसी तरह से कपड़ा कीजिए, अपनी तरफ इस तरह से फोल्ड करके कीजिए, कभी भी इस तरह से मत करिए जैसे कई लोग हैं ना इस तरह से करते हैं। देखिए मैं दूसरे तरीके से दिखाती हूँ, उससे इतनी फिनिशिंग नहीं आती है। देखिए कई लोग हैं ना इस तरह से करते हैं,
ये देखिए इस तरह से, और ये मान लीजिए ये धागा बाहर रह गया, देखिए ऐसे छोड़ देते हैं हम कई बार। ये देखिए इस तरह से है ना। अब ये देखिए ये गांठ रह गई, अगर ये खींच गई ये देखिए सारी तो रुपाई निकल जाएगी। तो ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी है। ये देखिए इस तरह से तुरपाई अच्छी नहीं लगती, तो आपको हमेशा इस साइड से शुरू करना है। किसी भी टेलर को आप देखोगे कभी भी इस साइड से शुरू करते हैं, ऐसे नहीं करते शुरू, इस तरह से कभी भी नहीं करते। तो आप भी हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात का। ये देखिए इस तरह से तुरपाई आप करेंगे हमेशा इस तरफ से। ज़्यादा कपड़ा आपका इस तरफ रहना चाहिए, कम हमारी तरफ रहना चाहिए इस तरह से। तो ये देखिए जैसा कि हमने ये तुरपाई कंप्लीट कर ली है, ये देख रहे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा तरीका पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई कमी भी हो तो भी बताना, मैं भी उसको देखूँगी हाँ भाई इसमें मेरे काम में कोई कमी है तो मैं भी उसे सुधार कर सकती हूँ। तो ये मैंने आज पूरी कोशिश की आपको बताने की, और आज मेरा पहला दिन था। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।